एक बहुत अच्छी खबर है तुम्हारे लिए। क्या खबर देनी है अब बता भी दो तुम। यूनुस लौट आए हैं, बाजार में देखा उन्हें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद यूनुस। शुक्रिया मोहतरम। आओ मेरे करीब आओ, बूढ़ी आंखें इतना दूर नहीं देख सकती यूनुस। कोनिया से उस मामले पर कोई खबर आई हसन आगा? अभी तक कोई खबर नहीं काजी मोहतरम, मगर किसी भी लम्हे आ सकती है, कासिद आता ही होगा। यूनुस यहां आकर खबर देने के अलावा और कुछ नहीं है आपके बस में क्या? जो मेरे बस में था वो किया मैंने। मैं क्या बताऊं, मुझसे बेहतर आप समझ सकते हैं। रियासत के मामलात, ओहदों की सियासत आपकी नजर से तो कुछ भी ओझल नहीं। बाबा जान ये सब जानते भी होते तो वहां कभी ना जाते। काजी इलियास अफंदी से दोबारा बात करने गया था मैं। इनकार कर दिया उसने, कानून और अदालत की रट लगाई हुई है। अब क्या होगा यूनुस अफंदी? दो मर्तबा बात कर चुका, ना मेरी बात सुन रहा है ना किसी और बात का लिहाज कर रहा है। मैं अम्मा जान को नहीं बताना चाहती इस बारे में, लेकिन जल्दी या बदेर उन्हें पता चल ही जाएगा। कोनिया वापस जा रहे हैं, जाना भी चाहिए आपको। जाहिर है वहां बहुत से जरूरी काम होंगे ना आपको। माफ कीजिएगा, ये ना समझिएगा कि कोई शिकवा कर रही हूं। कोई मसला हो गया है वहाँ बाबा जान से मुतालिक? क्या मसला हो गया शेख मोहतरम से मुतालिक? क्यों, क्या आपने उनकी गुफ्तगू नहीं सुनी कासिम आगा? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दुकान दोबारा से खुल गई, मेरे बच्चों का रिज्क उसी से वाबस्ता था शेख मोहतरम। अल्लाह राजी हो आपसे। जो शुक्र का हकदार हो उसका शुक्र अदा करना नेमत में इजाफा करता है अजमी आगा। रिस्क तो बस अल्लाह ही देता है, तुम्हें भी हमें भी, चरिंद को परिंद को, हत्ता के बाहर जो वफादार जानवर बैठा है उसे भी। जाहिल आदमी हूं मैं शेख, माफ कर दीजिएगा, जहालत में पता नहीं क्या कुछ कह गया। काम ईमानदारी से करो, हकदार का हक न दबाओ और फजूलगोई से गुरेज करो। कोई भी किसी की हालत नहीं बदल सकता अगर वो खुद को बदलना न चाहे, समझे कुछ अजमी आगा? भेज दो अजीजम, ले आओ उन्हें कासिम आगा। मैं अब इजाजत चाहूंगा शेख मोहतरम। कुछ देर रुक जाते, शरबत पी लेते थोड़ा हमारे साथ। खुश आमदी तबीब अफंदी।
शर्फ है आपकी आमद। नवाजिश है आपकी मोहतरम, शुक्रिया। एक तश्वीशनाक खबर मुझ तक पहुंची है शेख मोहतरम, क्या दुरुस्त है वो? खैर तुम बताओ, ताकि मालूम हो कि सच है या नहीं तबीबा फंदी। नए काजी इलियास अफंदी, खुदा ना करे दरगाह से आपको गिरफ्तार करना चाहते हैं। वो काजी हैं, अदल के तकाजे मद्देनजर रखेंगे, कुछ आया होगा उनके इल्म में यकीनन। उनका एक अहलकार है जिसकी कमर पे जख्म है, वो मेरे जेरे इलाज है, अगर आपकी इजाजत हो तो उसके जरिए काजी से मुलाकात करूं। तबीबा फंदी, इसकी जरूरत नहीं, शुक्रिया, आप हमारे लिए फिक्रमंद हुए। इंसान दोस्तों ही की फिक्र करता है जाहिर है, मगर किसी की जान की खातिर मिन्नत करना गैर जरूरी है, चाहे वो हमारी ही जान क्यों ना हो। गैर तालीम याफ्ता को इजाजत नहीं होगी। मौसम सरमा में अनकारा से उस्ताद अतार किसी को यहां भेजेंगे ताकि तुम्हें तालीम दी जाए। जी, सिर्फ तालीम ही हासिल करना और अपने भाई से दूर रहना। नहीं मिलेगा बहराम आगा, नहीं मिलेगा। खैर मांगोगे खैर मिलेगा, शर मांगोगे शर मिलेगा। मेरा ख्याल है कुछ दिन दरगाह में गुजारें, थोड़ी तरबियत हो उसकी। आखिर भाई तो दोस्तों के दोस्त होते हैं। अली ताइगो ने बिल्कुल ठीक कहा। तुम्हें याद है जब तुम बावर्ची की तरबियत लेने आए थे? आखिर बिरादरी के अलावा और कहां मिल सकती इतने सारे पेशों की बेहतरीन तरबियत। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। खैर मांगोगे खैर मिलेगा, शर मांगोगे शर मिलेगा। क्या अब हम सलाम दुआ से भी गए कासिम आगा? कैसी बात कर रहे हैं आगा, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इजाजत चाहता हूं। नमाज पढ़ ली बच्चे? अभी नहीं पढ़ी मैंने। क्यों, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं हुआ अम्मा। काजी इलियास अफंदी से दोबारा बात करने गया था मैं। कानून और अदालत की रट लगाई हुई है, ना मेरी बात सुन रहा है ना किसी और बात का लिहाज कर रहा है। मैं अम्मा जान को नहीं बताना चाहती इस बारे में, लेकिन जल्दी या बदेर उन्हें पता चल ही जाएगा। फर्जन, तुम्हें हमारी जान की फिक्र, बहुत शुक्रिया, मगर हमें अपनी जान की फिक्र नहीं जरा बराबर। जो शेख हमारी नौकरी न ले सकते हैं न दे सकते हैं, अलबत्ता हर किसी की तरह हमारा एक जज्द ख्वाकी जरूर है, इसे अगर कोई ले जाना चाहता है तो आए और ले जाए। बरसा बरस से कंधे पे रखे बोझ से आजाद कर दे। अंदर आ सकता हूँ?
आ जाओ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाम बखैर यूनुस अफंदी। बैठिए कासिम अफंदी। कैसे पता चला कि मैं यहां हूं सराय में? शेख साहब की साहबजादी बासिम सुल्तान ने बताया मुझे। कोई नहीं जानता कि शेख को क्या मसला दरपेश है, मगर बासिम सुल्तान ने मुझे बता दिया। तफसील क्या है उसकी? क्या चाहते हैं काजी इलियास हमारे शेख से? क्या बोहतान लगाया गया है? नहीं जानता। तो हमें क्या करना चाहिए? कोई तो रास्ता होगा। काजी इलियास दोस्त हैं मेरे, कौनिया में मदरसे में साथ पढ़े हैं हम दोनों। अच्छा, मगर कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता। दुनिया जहान की बातें बना लेंगे ये दोस्त वोस्त, मगर अमलन कुछ नहीं करेंगे। आप ही कोई मशवरा दीजिए। कुछ नहीं जानता। कल सुबह कौनिया रवाना हो जाऊंगा। आप बेफिक्र होकर जाइए यहां से, अपने काम निपटाइए। मेरे नए मनसब की मंजूरी हो गई है। क्या मकाम भी तय हो गया तायनाती का? हो गया है, मगर मुझे नहीं मालूम अभी, क्योंकि मुझे यहां आना पड़ गया अचानक। जाकर माजरत करूंगा, मजीद वक्त जाया किया तो मामला खराब हो सकता है। आप जाइए और सुकून से मनसब संभालिए अपना। शेख के बारे में इतना परेशान ना हो, हम लोग हैं ना यहां, कोई रास्ता निकाल लेंगे। कोई रास्ता बचा ही कहां है? अच्छा, तो तुम्हें पता है भाइयों, किसी पर बोहतान लगवाकर, किसी को आला मकाम देकर आजमाइश में डाला जाता है। सबसे पुरफरेब होगा यह समझना है कि हम जाहिल नहीं आलिम हैं। थोड़े बहुत इल्म की बदौलत अपना मकाम और मर्तबा इतना बुलंद समझ लें कि तकब्बुर हमारा आसमान छूने लगे, यहां तक के हमें सामने की चीज भी नजर ना आए। ये वो दिलकश धोखा है, वो फरेब है जो महसूस ही नहीं हो पाता। अच्छा, तो फिर क्या करना चाहिए हमें? राह में अगर रुकावटें और मुश्किलात आ जाएं, तो हार मान लेनी चाहिए? फर्ज कीजिए यूं है कि आप गामजन हैं दारुसल्तनत कौनिया की तरफ, मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंचने पर एक चट्टान दिखती है, तो आप हार मान लेंगे या फिर उस चट्टान को उबूर करेंगे? आंधिया या तूफान बाहिम्मत लोग हार नहीं मानते, आगे ही बढ़ते चले जाते हैं मुसलसल, सब्र के साथ, दुआ के साथ। मैंने तुम्हें हजरत सुलेमान और आशिक चिमटी के दरमियान होने वाला मुकालमा सुनाया है कभी? एक दफा हजरत सुलेमान अपने लश्कर के साथ सफर के दौरान चिमटियों की एक बस्ती पर से गुजरे। चिमटियों को खबर हुई तो वो दौड़ दौड़ कर उनके हुजूर पेश होने लगी, और फिर देखते ही देखते सद हजार हाथ चिमटियां हजरत सुलेमान के हुजूर जमा हो गई। फकत एक चिमटी बाकी रह गई जो वहां नहीं पहुंची। उसके बिल के बाहर गंदगी का ढेर लगा था। वो उस जगह को साफ करने के लिए गंदगी के ढेर से एक एक जर्रा करके उठा कर ले जा रही थी। हजरत सुलेमान ने उस चींटी को करीब आने का हुक्म दिया। चींटी रेंगते हुए उनके हुजूर आ पहुंची। हजरत सुलेमान बोले, ए नन्ही चींटी, मैं देखता हूं कि जितनी तेरी कुव्वत है
नूह की उम्र और अय्यूब का सब्र भी तुझे अगर मिल जाए तो तब भी यह गलाजत का ढेर साफ करना तेरे लिए मुमकिन न होगा। इस काम का तेरी कुव्वत के साथ कोई मवाजना ही नहीं। ये एक पहाड़ है जिसे हिला भी न सकेगी तू। चिमटी को अल्लाह के हुक्म से गोयाई मिल गई। बोली, शहंशाह आलम, ये पहाड़ सिर्फ हिम्मत से ही सर हो सकता है। आप मेरी हकीर जात को न देखिए, मेरे अंदर की हिम्मत पर नजर कीजिए। मेरे वजूद में एक नादीदा चींटी है, वो मेरे अंदर है, मेरे बाहर है, मेरे हर जानिब है, मगर मैं उसे नहीं देख पाती। फकत मेरा इश्क उसे महसूस कर सकता है। मेरा इश्क कहता है, अगर तुम गंदगी का ये ढेर हटाकर राख को साफ कर दो तो दरमियान जुदाई की जो दीवार हाइल है गिर जाएगी और मैं और तुम साथ हो जाएंगे। चुनाचे मुझे इस काम की धुन लग गई है। ये गंदगी का पहाड़ मुझे हटाना ही है हर सूरत। अगर मैं ये दुश्वार तरीन काम कर गुजरूंगी तभी उसके साथ मेरा वसल होगा, और मैं जानती हूँ कि मुझे इस काम में मौत भी आ सकती है, मगर कम अज कम ये तो होगा कि मैं अपने इश्क की जस्तजू करते हुए मौत से हमकिनार होंगी। अच्छा तो फिर, बोली, शहंशाह आलम, हाँ इश्क ऐसा ही होता है। इश्क करना चींटियों से सीखो, यही हाल हक की रख का। एक चींटी एक दहशतनाक शेर को भी जमीन की धूल चटा सकती है। यही तरीकत की राह है, इस राह के यही मामलात हैं। इस राह पर एक हकीर चींटी भी अपने से लाखों गुना बड़े शेर को जमीन पर ढेर कर सकती है। इश्क के बगैर ये जस्द खाकी जिंदा लाश की मानित है। आशिक लोग जस्द खाकी से छुटकारा पाना सीख कर रफत व बुलंदी हासिल करते हैं। अपने मनसब पर दोबारा वापस आने के लिए तुमने 3 माह कबल दरख्वास्त दी थी। जी मोहतरम। यूनुस अफेंदी, मैं तुम्हारे इस्तीफे को मंसूख करार देता हूँ। कल आकर तुम अपनी तकर्रुरी का हुक्मनामा ले सकते हो। इतनी सोहबत में रहे हैं आप बाबा जान की यूनुस, उनके लिए कुछ किए बगैर यूं ही चले जाएंगे अजनबी की तरह। बाबा जान ये सब जानते भी होते तो वहाँ कभी ना जाते। वो तो खुद औरों के दर्द का दरमा बन जाते हैं। बाबा जान ये सब कुछ जानते भी होते तो कभी ना जाते। मगर कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या मकाम भी तय हो गया तायनाती का? आप जाइए और सुकून से मनसब संभालिए अपना। शेख के बारे में इतना परेशान ना हो, हम लोग हैं ना यहाँ, कोई रास्ता निकाल। और ये झूठा मुखबर कौन है? देखो यूनुस, तुम्हारा इस्तीफा मंजूर करके नई तकरीर की जा चुकी है। मेरा मशवरा तो यही है, वक्त जाया मत करो, कोनिया चले जाओ, वहां से तकर्रुर नामा वसूल कर लो। Hey!
मेरा जाना लाजमी होगा, मगर मैं जा नहीं सकता, मुझे जाना होगा, मैं नहीं जा सकता। कोनिया से मकतूब का जवाब आ गया। ताब्दू कैमरे की दरगाह जाना है सूबेदार, घोड़ों का इंतजाम करो। आदम, अतार की दुकान पर घोड़े लेकर जाओ, बाजार की अकल में। अतिल्ला, जब यहां पहली दफा इस दरगाह में आया था ना, याद है ना वो वक्त? आगा, याद है मुझे। ये शाम को खाने पर आया, दरगाह में इसका पहला खाना था। मैंने दाल का शोरबा बनाया हुआ था, बड़ा मजेदार, वही खिलाया इसे। हाँ, याद है मुझे। मुझे बोला शोरबा नहीं खाना, इसका ख्याल था कि यहां पुलाव और कोरमे की देगे चढ़ी होंगी। कार्रवाई में जो भी मजाहमत करे उसे गिरफ्तार कर लेना। अस्सलाम वालेकुम आशिकी यूनुस। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब मौजूद हैं? खुशामदीद बरादरान। शेख मोहतरम के लिए आए हैं आका। शेख मोहतरम दरगाह में नहीं,
हाँ हो सकता है, लेकिन मैं खुद देखूंगा। जरान खाने की भी तलाशी लो। सुनिए काजी साहब, हम उन्हें इत्तला दे देंगे कि आप यहां आए थे। हम यहां ज़ियारत के लिए नहीं आए दरगाह की। सूबेदार, रिहायशी हिस्से में चलो। अस्तग़फ़िरुल्लाह। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ कासिम अफंदी, आ जाओ। काजी साहब शेख मोहतरम से मिलने के लिए आए हैं। बाबा तो घर पर नहीं है। हम खुद देख लेते हैं लड़की। कहाँ ना वो घर पर नहीं है। शेख साहब घर पर नहीं है। आखिर क्या काम है आपको बाबा से बताएं? क्या चाहते हैं आप लोग? यूनुस अफंदी, क्या आपका ये अमल जायज है काजी इलियास? किसी के अहले खाना को तंग करना कौन से जाब्ते और कानून में लिखा है? हिरासा करना है ये तो। ये रियासत का अख्तियार है यूनुस अफंदी। मैं घर में भी जा सकता हूँ, जरूरत पड़ने पर जान भी ले सकता हूँ। तुम्हारा ये तर्ज अमल इंसाफ के और शरीयत के खिलाफ है। मैंने भी वही किताबें पढ़ी हैं जो तुमने पढ़ी हैं यूनुस अफंदी। किस किताब में लिखा है कि किसी फसादी के बहुतान की बुनियाद पर तफ्तीश के खर्च से किसी के घर में घुसना जायज है? किसी एक किताब का नाम बता दो मुझे। हमने साथ पढ़ा है बेशक, मगर तुम खुदसरी पर उतर आए हो। इस खुदसरी को किस तरह अदल और शरीयत के मुताबिक कह सकते हो इलियास अफंदी? इन्हें बताया भी था कि बाबा घर पर नहीं है। अदल इंसाफ से अगर तुम्हें इतना ही लगाव है यूनुस अफंदी, तो जरा बताओ ना कि शेख अफंदी कौन से बिल में घुस के बैठे हैं, या फिर वो अदालत के खौफ से फरार ही हो गए हैं यहां से। चलो मान लेते हैं कि वो इतने ही बेकसूर हैं जितना तुम उनका दिफा कर रहे हो,
तो फिर ये बताओ कि वो एक सलजूक काजी से, इंसाफ से और शरीयत से क्यों भाग रहे हैं यूनुस अफंदी? जानता हूं तुम्हारे पास जवाब नहीं। कहां है? अगर फरार नहीं हो गए यहां से चलो सूबेदार। लगता है छापे के बारे में मुखबरी हो गई थी, चुनाचा शेख अफंदी करामत दिखाकर उड़नछू हो गए यहां से। हरगिज नहीं काजी साहब, शेख साहब तो रू कब्ज करने वाले इसराइल से भी ना डरे, तो वो एक मामूली से काजी से क्यों डरेंगे? चलो सूबेदार। ये सब क्या मामला है? ये यहां क्यों आए थे अफंदी? सबब तो मेरे इल्म में भी नहीं। हां अलबत्ता कौनिया के काजी आजम से इजाजत ली है। क्या कह रहे थे वो लोग? क्यों आए थे यहां कासिम अफंदी? किसी किस्म की वजाहत नहीं की उन्होंने, तकब्बुर ने उन्हें अंधा कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। काजी की हिम्मत कैसे हुई दरगाह में घुस गए शेख मोहतरम को गिरफ्तार करने के लिए? शैतान मुझे चाकू उठाने पर मजबूर कर रहा था, बहुत मुश्किल से काबू किया अपने आप को। और कोई काम नहीं रहा अब काजी के पास? चोर लुटेरे कातिल खान सब खत्म हो गए, दरगाह बची है बस। अस्सलाम वालेकुम भाइयों। वालेकुम अस्सलाम। ये खबर मिलते ही दौड़ा चला आया हूँ। क्या मेरे कानों ने सही सुना है भाइयों? दुख की बात है बहुत, काजी ने छापा मारा है दरगाह पर, वो भी शेख साहब की तलाश में। कोई वजह नहीं बताई, आखिर वो क्यों तलाश कर रहे हैं उन्हें? कुछ भी नहीं बताया है, अंदर घुसाए जनान खाने की तलाशी ली और फिर चले गए। शेख मोहतरम कहाँ है? मालूम नहीं। तो कासिम आगा को तो होना चाहिए, वो कहाँ है? अस्सलामु अलैकुम कासिम आगा। वालेकुम अस्सलाम आगा। आपकी परेशानी देखकर लग रहा है खबर दुरुस्त है। दुरुस्त है आगा, दुरुस्त है। क्या कहा काजी साहब ने, क्यों हुआ ये सब? सबब ही तो नहीं बता रहे। जरूर कोई साजिश है ये, हर कोई दूसरे की कठपुतली बना हुआ है, किसी दूसरे की जबान बोल रहा है। किसी ने झूठी मुखबरी की है या काजी ने खुद अपने तौर पर उठाया है यह कदम, या फिर कौनिया से काजी आजम के हुक्म पर हो रहा है यह सब? नालेहान में काजी तायनात रहे हो तुम यूनुस अफंदी, तो यकीनन खूब वाकिफ हो गए कि ताब्दो कैमरे नामी शेख की एक बहुत बड़ी दरगाह है नालेहान में। मालूम है मोहतरम। सुना है उनके काफी अकीदत बंद है वहां पे, बड़ी तादाद में। नए तायनात शुदा काजी इलियास अफंदी ने दरगाह पर छापा मारने के लिए हमसे इजाजत तलब की है। यहीं से गई थी दरखास्त, कौनिया में मालूम हुई थी मुझे यह बात। हो सकता है कि काजी की कोई जाती रंजिश हो। नहीं, वो मदरसे से है, गुजारिशात की सूरत में ही कदम उठा सकता है। यानी मकसद मुतनब्बे करना है। मेरा भी यही ख्याल है। लेकिन कौन है वो फसादी? आपने यकीनन बात की होगी काजी साहब से, अब हमें मिलकर बात करनी चाहिए। शेख मोहतरम है कहां? Thank you.
उस शेख की कोई खबर मिली सुबेदार? जी मिल गई। काजी मोहतरम, कुछ वक्त इनायत करें, हम लोग आपसे बात करना चाहते हैं। मालूम है क्या बात करनी है मसूद आगा, न जाने क्यों सारा नालेहान, हत्ता के कोनिया भी शेख हमरे के साथ साहसबाज कर चुका है। अस्तगफिरुल्लाह। उन्होंने एक नई चाल चली। अभी अभी पता चला है हमें। आए हमारे साथ। शेख मोहतरम, बिला वजह जहमत की तुम लोगों ने। शेख मोहतरम, काजी इलियास को हम मतलूब थे, जहमत होती उन्हें, सो हम खुद उनकी जियारत को चले आए यहां। तुम कोनिया नहीं रवाना हुए अभी तक यूनुस? आप यहां क्यों आए? इस तरह तो खुद पर लगे झूठे इल्जाम को कबूल कर रहे हैं आप। झूठे इल्जाम को नहीं, बल्कि हम अपनी किस्मत का लिखा पूरा कर रहे हैं। चलो बस, वक्त खत्म हो गया। पहले मुकदमा और सजा तो होने दो, फिर मुलाकातें करते रहना। मेरे लिए कोई हुक्म है शेख मोहतरम? हाँ है, खाना मन्ना को तसल्ली देना, खुदा पे भरोसा रखें कहना, दरवेश भाइयों को भी परेशान ना होने देना। जो आपका हुक्म शेख मोहतरम। शेख साहब ने इसलिए गिरफ्तारी दी ताकि सजा में नरमी हो जाए, मगर उनकी अकीदत मन अब भी उनकी बेगुनाही पर यकीन रखते हैं। आप हकीकतन एक नेक बुजुर्ग हैं, मैं जान गया हूं। कान जो कुछ सुनते हैं, आंखें जो कुछ देखती हैं, इंसान उसे गलत मानते हुए भी क्यों उसकी पैरवी किए जाता है? और इतना बड़ा मुर्शिद खुद से क्यों आ जाता है जिंदान में? जियारत की खातिर आए हैं हम, बताया तो है। किसकी? और किसकी अजीजम, तुम्हारी ही। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। समझ नहीं आता कि शेख मोहतरम ने आखिर खुद से गिरफ्तारी क्यों थी। जितना सोचता हूँ जहन उतना उलझता है। इसलिए कि उनका दामन बिल्कुल साफ है हर तरह से, और फिर वो अहलकारों को भी जहमत नहीं देना चाहते थे। खाना मन्ना बहुत परेशान होंगी, मुझे दरगाह जाना होगा फौरन। बिल्कुल जाइए कासिम आगा, आइए इस मामले पर मुशावरत करते हैं, कोई मुनासिब हिकमत अमली बनाते हैं।
इस वक्त कहाँ होंगे बाबा? मुझे क्या मालूम बच्चे। कोई भी कुछ नहीं बता रहा हमें। काजी क्या चाहते हैं बाबा से? क्यों तलाशी ली गई दरगाह की और जनान खाने की? अम्मा जान, यूनस अफंदी ने ही तो खबर दी थी आकर, उसे कैसे मालूम होगा? कोनिया में काजी आजम से पता चला था उन्हें। मैं देखती हूँ जाकर। क्या खाना मन्ना मौजूद है? जी मौजूद है। खैर की खबर होगी इंशाल्लाह कासिम अफंदी। खैर है खाना मन्ना, खैर है। शेख कहाँ है मालूम हो गया है? शुक्र है मेरे रब, खैर हो या शर उसी की तरफ से है। जल्दी बताओ कासिम अफंदी, खैर तो है या फिर? शेख मोहतरम ने खुद गिरफ्तारी दे दी है, जिंदान में हूं। बच्चे, जाहिर है यहीं से किसी ने मुखबरी की है। अखी बिरादरी में भी मुखबिर हैं, सलजोक सल्तनत में हर जगह हैं। बार बार दरगाहों के खिलाफ साजिशें करते हैं बदजात। ये वक्त सियासत का तो बिल्कुल नहीं है, कोई गड़बड़ जरूर है। मसूद आगा, शेख मोहतरम पर बोहतान लगाने से जिसे फायदा हो ऐसा कोई है क्या? बिल्कुल है यूनुस अफंदी, बिल्कुल है। वो मुझसे वाकिफ नहीं है, मगर मैं जान गया हूं कि वो कौन है। किसी को कत्ल करना हो तो तीर ना चलाओ, बोहतान लगा दो। तीर का निशाना तो चूक सकता है लेकिन जबान का नहीं। बच्चे तुम जरा दरगाह हो आओ, वहां कासिम अफंदी से पूछना कोई खबर आई यूनुस अफंदी की। काजी आजम और मूवी साहब से वाकफियत हो गई है मेरी। हस्बे कदर मोहब्बत का मामला फरमाते हैं वो। तुम्हारे मामले से मुतालिक मैंने उन्हें खत लिखा था। तुम्हें पहले इसलिए नहीं बताया था कि नतीजा मुस्बत निकले तो फिर बताओ। मंजूरी दे दी है उन्होंने। खुशामदीद शेख साहब, खैरियत से होंगे आप? घर वापसी मुबारक बाबा जान। हमें क्या होना था, यूनुस और मसूद आवा कदम कदम पर हमारे साथ रहे अल्लाह के हुक्म से। बहुत जहमत उठाई है आपने, अल्लाह आपसे राजी हो यूनुस। आपसे भी। अम्मा जान भी दुआएं दे रही थी आपको। Allah, 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 All